अच्छा, मैं ये सवाल अक्सर पूछता हूं उन कलाकारों से जो कोलैबोरेशन ज्यादा करते हैं या जिनकी जिनकी कोलैबोरेशन में दिलचस्पी होती है या जिसमें उनकी महारत होती है। आपसे भी जानना चाहूंगा कि किन बातों का खास ध्यान रखना होता है जब आप कोलैबोरेट करते हैं एक पाश्चात्य संगीत के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत को। शिवेंद्र जी, देखिए, मैं यहाँ पे कोई प्रीच नहीं करना चाहता हूँ कि कोलैबोरेशंस ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। मैं जो रास्ता फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। कोलैबोरेशंस एक मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, एक दूसरे कल्चर को या दूसरे एक इंसान को या दूसरे एक इंसान के बैकग्राउंड को जानने का। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि दुनिया, लोग बोलते हैं दुनिया बहुत छोटा हो गया है और दुनिया बहुत बड़ा है और इसमें इतने इतने अलग 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 तरीके के कल्चर हैं, अलग अलग तरीके का म्यूजिक है, जुबान है, खाना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको जानते हुए। मैं हरदम जानना चाहता हूँ कि ये लोग कैसे रहते हैं, ये कैसे बात करते हैं, ये क्या खाते हैं, इनके इनके घर में जो जो रिवाज है या इनके घर में जो नियम है वो कैसे होता है। तो कोलैबोरेशन मेरे लिए वो है। मैं कोशिश करता हूँ कि कोलैबोरेशन में ऐसा ना हो कि हम अपना ही राग बजाएं, हम अपना ही ताल बजाएं। वो तो हम हरदम करते हैं, हम जब सितार लेके एक तबले वाले के साथ या पखावज वाले के साथ बैठते हैं, हम उसमें हम अपने अपने ही राग बजाते हैं। हम भैरवी बजाते हैं, हम भीमपलासी बजाते हैं, हम भैरव बजाते हैं, हम दरबारी बजाते हैं, हम तीन ताल बजाते हैं, हम झपताल बजाते हैं। अब एक अगर वायलिन प्लेयर के साथ हम मिलते हैं या गिटार प्लेयर के साथ हम मिलते हैं या ऑर्केस्ट्रा के साथ हम मिलते हैं और वही चीज़ फिर से हम करते हैं, तो इसमें मुझे कोई बड़प्पन नज़र नहीं आता है कि क्यों। और जब इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, सब लोग एक ही लाइन सब लोग बजा रहे हैं, मैं भी सारे गामा बजा रहा हूँ, वो भी सारे गामा बजा रहे हैं, वो फिर आई थिंक इट्स वेस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ म्यूजिशियनशिप एंड ट्रेडिशन। बिकॉज उनका जो ट्रेडिशन है उसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है, आपका जो भी ट्रेडिशन है उसको भी करना है और देखना है कि इसको हम लोग कहाँ मिल सकते हैं, हम लोग क्या प्रेजेंट कर सकते हैं कि सुनने में इंडियन भी लगे, सुनने में उनका भी ट्रेडिशन लगे और एक नयापन भी हो उसमें। ये मैं हरदम कोशिश करता हूँ कि उसमें मेलेडी भी हो, उसमें आपका रिदम भी हो, उसमें हमारे जो इंडियन म्यूजिक का जो रिदमिक जो जो स्ट्रक्चर है, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सब भी रहे, एट द सेम टाइम उसमें हारमोनी भी हो, उसमें बाहर का फोक भी हो। वहाँ पे अलग अलग तरीके के आप कितना कुछ कर सकते हैं, बट वही अगर हम लेके एक गत बजाते हैं, उन लोग हमारे साथ गत बजा रहे हैं, फिर तान बजा रहे हैं, वो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्पेशली शुरू में मैंने भी वैसे ही किया था, शुरुआत वही था, लेकिन बाद में फिर मैंने मैंने चेंज किया। मैंने कहा कि नहीं, जैसे आप सेलिब्रेशंस, अगर आप मेरा कॉन्चर्टो सुनेंगे उसमें बहुत ज़्यादा हमने रागों के बाहर मैंने काम किया है। राग है, राग में जाके फिर रागों के बाहर उसमें उसमें हारमोनी बोलिए, उसमें काउंटर पॉइंट्स बोलिए। आप सुनेंगे तो आपको आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो मैं कोशिश हरदम हरदम करता हूँ। सो कोलैबोरेशंस मेरे लिए जो है वो एक सीखने का जरिया है कि मुझे ये नहीं मालूम, चलो इसको मालूम करते हैं, करके मैं भी बजाता हूँ, वो हमारा चीज़ बजाते हैं, मैं उनका चीज़ बजाऊँ और मिलजुल के फिर मैं जो कंपोज करता हूँ वो जो उसके बाद जो हमारे सामने आता है वो मैं लोगों के सामने, और वो पूरा लिखित होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने बजाया, इम्प्रोवाइज़ किया, उन्होंने किया, फिर हमने किया, नहीं, पूरा लिखित नोटेशन होता है। नोटेशन उनके पास भी होता है, हमारे पास भी होता है, कहीं कहीं इम्प्रोवाइजिंग भी होता है। कुछ लोग होते हैं इम्प्रोवाइजिंग कर पाते हैं तो ठीक है, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन सबको लेके चलना वो कोलैबोरेशन है। ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जब मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को बताता हूँ कि जब मैं इस इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था और मैं गौरव दा के बारे में चीज़ें पढ़ रहा था, खोज रहा था, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे मीडिया कवरेज मिले जिसमें उनके बारे में जो कुछ लाइनें लिखी हैं, मैं उसका बहुत छोटा छोटा हिस्सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने पढ़ा जहाँ पर एक ऐसी खबर विदेशी अखबार की जहाँ लिखा था कि ही इज डूइंग फुल जस्टिस
टू द आरएस यानी रविशंकर कंपोजिशंस, यानी वो रविशंकर जी की कंपोजिशंस के साथ पूरा न्याय कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने पढ़ा जहां पर एक और अखबार में लिखा हुआ था कीपिंग गुरुकुल अलाइव। तो दादा, जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और जब इस तरह की जिम्मेदारियों वाले कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या लगता है कि जो परंपरा, समृद्ध परंपरा आपके साथ है, उसमें जिम्मेदारियां वाकई और बढ़ी हैं? शिवेंद्र जी, देखिए, ये जो आपने बताया मीडिया में या लोगों ने हमको बहुत आशीर्वाद प्यार दिया है, तो एक तो है मेरे गुरु पंडित रविशंकर जी या मेरे उसके पहले जितने गुरु हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इनके प्रति मैं जितना सच्चा रह सकूँ। सो अगर पंडित रविशंकर जी का कोई गत बजा रहा हूँ या उनका कोई म्यूज़िक मैं बजा रहा हूँ, मैं बहुत 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 रियाज करके उसको समझ के सीख के उसके गहराई में जाके मैं कोशिश करता हूँ उसको लोगों के सामने लाने का। ये एक बात मेरा बहुत मैं हरदम कीपिंग गुरुकुल अलाइव, जो दूसरा जो आपने बताया, वो इसलिए है क्योंकि जो सिखाना जो है मेरे लिए एक तपस्या के तरह है, एक पूजा के तरह है। मेरा जो जीवन है, मैं बहुत 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 कोशिश करता हूँ कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोलिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बुज़ुर्ग बोलिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस संगीत को जानना सीखना चाहते हैं, मैं हरदम कोशिश करता हूँ कि मैं उनके साथ में जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं उनके साथ शेयर करूँ, बांटूँ मैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे घर में म्यूज़िक स्कूल होता था इलाहाबाद में, मजुमदार स्कूल ऑफ म्यूज़िक। मैं हरदम देखता था पापा घंटों अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के उनको सिखाना, उनको तैयार करना, और मैंने हरदम ये समझा, ये सीखा, ये जाना, तजुर्बे से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप सिखाते हैं, सिखाने से ज़्यादा आप खुद आप सीखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जानने को मिलता है। एक गत आप खुद बजाइए और वही गत आप लोगों को सिखाइए, आप उस गत के बारे में बहुत ज़्यादा जानेंगे अगर आप उसको सिखाएंगे। तो शुरू से इवन पंडित रविशंकर जी के यहाँ भी मैंने तो देर से सितार शुरू किया था, लेकिन उनके पास जो शागिर्द आते थे गुरुजी, हमारे पास उनको भेजते थे कि इन गौरव के पास जाके ये गत हमारा सीख लो, या ये राग हमने अभी कराया है, या ये राग हमने अभी नया कंपोज किया है। तो हमारे पास काफ़ी लोग आते थे, हम तो शुरू से सिखाने का जो एक परंपरा है उसको मैंने फॉलो किया है और अभी भी कर रहा हूँ और हरदम करूँगा। और आज काफ़ी सारे हमारे शागिर्द हैं जो अच्छा बजा रहे हैं और मुझे बहुत नाज है उन पे, बहुत बहुत गर्व है। और गुरुकुल, कीपिंग अलाइव द गुरुकुल, इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट इज़ अ वेरी 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 wonderful compliment, and I take it humbly, and I bow down to the person who wrote that article for me. Thank you. गौरवदा, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राजगिरी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।